अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा, HM फास्ट इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैट सिक्स केबल के RJ45 कनेक्टर। कैट सिक्स केबल है मेरे पास, RJ45 कनेक्टर हैं। ये इसका बोर्ड्स है, कवर, उसके बाद ये है पेपर कटर, वायर कटर, फिर प्लायर, और ये है टेस्टर मीटर केबल चेक करने के लिए। सबसे पहले जो है आपने केबल पर बोर्ड्स इसको चढ़ा लेने हैं। मैं जो केबल यूज़ कर रहा हूँ धावा ब्रांड की है, कॉपर केबल। इसमें बहुत क्वालिटीज़ की केबल आती है, मेरे पास जो है वो फुल कॉपर में है। सबसे पहले आपने इसके केबल को कटिंग कर लेना है, ऊपर वाले इंसुलेशन को। इसको कटिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना है नीचे वाली केबल जो है वो आपकी डैमेज ना हो। जी, उसके बाद इसमें जो है आपने प्लास्टिक शीट को इसमें से कटिंग कर लेना है, लेकिन वायर के मद्देनज़र रखते हुए एहतियात के साथ। तो नेक्स्ट जो है इसमें है टोटल 8 वायर्स। 8 वायर्स में से आपने एक एक केबल को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। आपकी केबल जितनी स्ट्रेट सीधी होगी आपका कनेक्टर उतना ही क्वालिटी में बेहतर लगेगा, उतना ही ज़बरदस्त तरीके से आपका कनेक्टर लगेगा। तो इसमें 8 वायर हैं, 8 में से आपने सबको एक एक करके आपने इसको सीधा कर लेना है। जी, ये मैंने सीधी कर ली है सारी वायर को। उसके बाद इसको तरतीब देते हैं। जी, ये मैंने तरतीब इसको दे ली है, लेकिन कलर का आपने कम ध्यान रखना है। कलर्स में जो है फर्स्ट पे है ऑरेंज वाइट, फिर उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, और उसके बाद जो है ब्लू वाइट, फिर जो है ग्रीन, उसके बाद ब्राउन वाइट, ब्राउन। इसको आपने कलर्स की आपने तरतीब कर लेनी है। तरतीब देने के बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करते वक्त आपने इस हिसाब से कटिंग करनी है कि एक RJ45 कनेक्टर में आपकी केबल पूरी आ जाए। तो और इसमें उसके बाद कनेक्टर को, केबल को कनेक्टर में इन करेंगे। इन करते वक्त आपने कलर्स का और वायर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो कलर जो है आपके तरतीब के साथ ही हो, जो कलर मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आपने वायर को चेक कर लेना है, सारी वायर कनेक्टर में इन हो गई हैं। तो आपको इसको साइड से भी आपको इसको चेक कर लें, ऊपर से भी चेक कर लें अच्छे तरीके से, सारी केबल की वायर पिन के अंदर चली गई हैं। तो उसके बाद आपने जो है कलर का लास्ट में आपने बहुत ख्याल रखना है कि पंच करने से पहले आपने कलर को चेक करना है, कलर आपके बिल्कुल तरतीब के साथ हैं। वायर भी आपने चेक कर लेनी है कि कनेक्टर में सारी इन है, क्योंकि बाज़ औक़ात वायर पीछे रह जाती है कोई एक। उसके बाद आपने इसको पंच कर देना है। पंच बिल्कुल आपने इजीली जहाँ तक हो सकता है इजी वहाँ तक करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना। मेरे पास जो पंचर है वो है 4 पिन और 6 पिन और 8 पिन है। ये जो कनेक्टर जो है ये 8 पिन, आपने इसको 8 पिन वाले में पोर्शन में आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने इसको बोर्ड्स को ऊपर चढ़ा देना है कनेक्टर पे। लीजिएगा, कनेक्टर हमारा लग गया है सेम एज लाइक आपने दूसरी तरफ, दूसरा कनेक्टर भी आपने इसी तरीके से लगा लेना है। कलर का आपने बिल्कुल ख्याल रखना। नेक्स्ट जो है केबल को हम चेक करेंगे टेस्टर मीटर के साथ। तो केबल को दोनों साइड से इन कीजिएगा आप टेस्टर मीटर में। उसके बाद आपने टेस्टर मीटर को ऑन करना है। उसके बाद तरतीब आपने चेक करनी है लाइट की, 1 से लेके 8 तक तरतीब वाइज है। तो आपका कनेक्टर बिल्कुल ठीक है, अगर कोई मिसिंग है तो आपका कनेक्टर नहीं ठीक लगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।